नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें अभी हम लोग इतिहास टॉपिक आपका लिए हुए हैं। इतिहास टॉपिक में आपने लास्ट लेक्चर में जाना था, पूंजीवाद का विकास देखा था। आज बात करेंगे हम लोग अमेरिकी क्रांति के बारे में। याद रखिए, इससे पहले आपका पूरा भारत का इतिहास, फिर चाहे प्राचीन भारत हो, फिर मध्य भारत हो, फिर चाहे आपका आधुनिक भारत हो, तीनों पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। वो भी सभी लेक्चर आपके सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में ही डले हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अमेरिकी क्रांति। 18वीं शताब्दी की एक और महान क्रांति अमेरिकी क्रांति थी। इसके परिणाम महत्वपूर्ण एवं व्यापक थे। इस क्रांति के पश्चात अमेरिका स्वतंत्र हुआ अपना, और आज वह विश्व के सबसे शक्तिशाली और धनी व औद्योगिक रूप से उन्नत राष्ट्रों में अग्रणी है आपका अमेरिका। अमेरिकी क्रांति की बात करें, अमेरिकी क्रांति हुई, उसके कारणों की बात करें हम लोग, तो प्राचीन औपनिवेशिक पद्धति या फिर व्यापारिक पद्धति दमनकारी थी। अमेरिका के औपनिवेशिक राज्य बहुत समय तक यह स्थिति नहीं सह सके और इनका स्वाभाविक परिणाम युद्ध हुआ। इसके लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार थे। इंग्लैंड सरकार द्वारा नियुक्त उपनिवेशों के गवर्नर और प्रशासक सामान्य सैनिक अधिकारी होते थे, और अमेरिका में इस्पात और ऊनी वस्त्रों का निर्माण सीमित या पूर्णतः बंद था, ताकि इस माल के ब्रिटिश निर्माताओं को से स्पर्धा ना हो। उपनिवेशों के आयात, निर्यात और विनिर्माण पर ये सारे प्रतिबंध वहाँ के लोगों के लिए असह्य थे। अतः उपनिवेशों के विद्रोह का मुख्य कारण बनने में काफी आगे थे। बात करते हैं बॉस्टन टी पार्टी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। बॉस्टन टी पार्टी उपनिवेशकों को शांत करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसेंड द्वारा लगाए गए सभी कर, चाय के कर को छोड़कर, हटा लिए थे। अमेरिकियों को सीधे ही भारत से भी चाय आयात करने की अनुमति थी, जिस पर इंग्लैंड में ड्यूटी नहीं दी जाती थी। परंतु अमेरिका में आयातित चाय पर 3 पेन प्रति पौंड के हिसाब से ड्यूटी ली जा रही है। यह ड्यूटी लगाने पर भी चाय पहले से सस्ती ही थी। वस्तुतः यह ड्यूटी केवल यह बताने के लिए ली जा रही थी कि ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। उपनिवेश ब्रिटिश सरकार की चाल को समझ गए। वे टैक्स की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशों पर टैक्स लगाने के अधिकार के विरोधी थे। अतः 16 दिसंबर 1773 को चाय के जहाज बोस्टन के बंदरगाह पर आकर लगे, तो कुछ उपनिवेशकों ने रेड इंडियनों के बेस में 340 पेटी चाय समुद्र में फेंक दी। इस घटना को क्या कहते हैं? बोस्टन टी पार्टी। इस घटना को क्या कहते हैं? बोस्टन टी पार्टी। चार जुलाई, इस डेट को याद रखना है आपको, 4 जुलाई 1776 को यह वह ऐतिहासिक स्वतंत्र घोषणा की गई, जिसके अनुसार 13 उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन की अधीनता समाप्त कर दी और आपका अमेरिका स्वतंत्र हुआ इसी 4 जुलाई 1776 को। इस घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का श्री गणेश हुआ। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। यह घोषणा वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था और कुछ सुधारों के बाद कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया था। इसने घोषित किया कि सभी मनुष्य जन्म से समान है। वर्ष 1775 में, ईस्वी में,
लिंक्स लिंक्सगटन में प्रारंभ हुआ। यह युद्ध 8 वर्ष तक चला। कितने 8 वर्ष तक। 1875 में अंग्रेजों ने औपनिवेशिकों पर आक्रमण करने की संयुक्त योजना बनाई। रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने 1780 में एक सैनिक तटस्थता तटस्थ परंतु अंग्रेज द्वारा उत्तेजित किए जाने पर युद्ध की घोषणा के लिए तैयार की स्थापना की, जो ग्रेट ब्रिटेन की विरोधी थी। '1781 में ब्रिटिश सेनापति कर्न वालिस ने चार्ल्स टाउन और अन्य कई स्थानों पर अधिकार कर लिया, परंतु इसके बाद शीघ्र ही समुद्र पर फ्रांसीसी बेड़े तथा थल पर वॉशिंगटन ने उसकी नाकाबंदी कर दी। अंततः उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब ब्रिटेन के अधिकार में केवल न्यूयॉर्क बचा। पेरिस की संधि आपकी कब हुई? 1783। याद रखिए, अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसने ये जो पॉइंट दिए गए हैं याद नहीं रखना है, ठीक है, पढ़ के निकल जाना है। आपको याद वही रखना है जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। जैसे पेरिस की संधि पूछ ले अगर तो बता दे सकते हैं आप लोग, इसे याद रख लें। 1783 में 3 सितंबर 1783 में पेरिस की संधि में अमेरिकी स्वतंत्र युद्ध की इतिश्री हुई। इस संधि की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। मिसिसिपी नदी को उनकी पश्चिमी सीमा रेखा मान लिया गया, जबकि ग्रेट लेक उनकी उत्तरी सीमा रेखा निश्चित हुई। दूसरा है, अमेरिका में केवल कनाडा, नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड की विदेशी अंग्रेजों के पास रह गई। फ्रांस को पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित सेंट जूसिया, टोबेगो तथा अफ्रीका में स्थित सेनेगल और गोरी के प्रदेश मिले। भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियां माहे, पांडिचेरी और चंदनगर भी उन्हें वापस मिल गई। इसके अतिरिक्त न्यूफाउंडलैंड की मछली के व्यापार भाग लेने का भी उन्हें अधिकार मिला। स्पेन को अंग्रेजों ने से मिनार्का और फ्लोरिडा मिले। हॉलैंड के साथ पुनर्स्थिति के मौलिक सिद्धांत को स्वीकार किया गया और एक दूसरे के विजय किए हुए विदेश वापस कर दिए गए। इसमें बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या रहे और महत्व क्या है इनका। अमेरिकी बस्तियों के इस सफल विद्रोह का इंग्लैंड पर और सारे संसार पर विशेष प्रभाव पड़ा। मानव जाति के राजनीतिक जीवन को बदलने में यह एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। उसने इंग्लैंड के इतिहास को प्रभावित किया। तो इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यद्यपि अमेरिकी बस्तियों के हाथ से निकल जाने से कुछ समय के लिए अंग्रेजों के मान को धक्का लगा, परंतु अंत में यह क्रांति उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुई। उन्होंने अपनी निर्बलताओं और कमियों को अनुभव किया और इनके सुधार करने में जुट गए। उनकी आंतरिक तथा विदेशी नीतियों में कई परिवर्तन किए गए। जॉर्ज द्वितीय के स्वेच्छाकारी शासन का अंत हुआ। ऐसा अनुभव किया गया कि अमेरिकी युद्ध में हुई पराजय तथा महान हानि का कारण जॉर्ज द्वितीय की मूर्खता, उसके मंत्रियों की अयोग्यता है। 1783 तक जॉर्ज द्वितीय का स्वेच्छाकारी रूप से शासन करने का प्रयोग पूर्णता असफल सिद्ध हो गया। क्या हो गया? असफल सिद्ध हो गया। तो ये थी आपकी अमेरिकी क्रांति। आगे की हम लोग क्लास में बात करेंगे रूस की क्रांति के बारे में। किसकी? रूस की क्रांति के बारे में, ठीक है।